बैक टू रिवर्स क्रिएटिविटी, आज मैं अपनी डॉटर की ओल्ड लैगिंग का यूज़ करके आपको खूबसूरत से कुशन कवर बनाना सिखा रही हूँ। तो उसके लिए पहले हम इसको काट लेंगे। इसकी लास्टिक मैंने पहले ही निकाल दी है, अब हम इसको इससे सेपरेट कर लेंगे। दोनों पीसेस को एकदम अलग कर लेंगे इस टाइप से। देखिए मैंने दोनों पीसेस सेपरेट कर लिए हैं, लेकिन लेगिंग का ऊपर का पार्ट थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे का पतला, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले ये इसकी वेट नाप लेंगे हम वेस्ट से। ये हमारा 17 इंचेस का आ रहा है, तो हम यहाँ पर मेज़र करके देख लेंगे, जहाँ पे 17 इंचेस आएगा वहाँ से हम कट कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिए 17 इंचेस आ रहा है। तो हम यहाँ पर स्टेप से मार्क कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ से काट देंगे। अब देखिए हमने दोनों पीसेस सेम साइज के काट लिए हैं। इसमें साइड में थोड़ा सा कर्व होता है, इसको हम काट के इक्वल कर लेंगे। ऊपर वाले पीस का मैंने ऑलरेडी काट दिया है। अब हम इसमें इस स्टेप से टर्न करके सीधी साइड दोनों अंदर की साइड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए मैंने इस पीस को दोनों साइड से स्टिच कर दिया है और ये दो साइड विड्थ वाली खुली छोड़ दी है। अब हमें इस पे सिंपल रनिंग स्टिच से इसको बंद करना है इस तरह से। अब देखिए मैंने इसको रनिंग स्टिच से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके दोनों थ्रेड्स को पकड़ के हम इसको सही से खींच लेंगे और इसके अच्छे से टाइट करके। इसके लिए आपको मोटे और मजबूत धागे का इस्तेमाल करना है, वरना ये खींचने में टूट जाता है और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको मजबूत, मैंने इसमें क्रोशिया वाले धागे का यूज़ किया है। इस टाइप से इसको सही से खींच के इसमें नॉट बांध देंगे और इसके सेंटर में हम एक बटन लगा देंगे या फिर कोई फ्लावर बना के लगा देंगे। अब देखिए ये मैंने चारों तरफ से इसको सिकोड़ लिया है। अब इसमें ये सेंटर में लगाने के लिए हम दो बटन तैयार करेंगे दोनों साइड में लगाने के लिए। इसके लिए मैंने एक सर्किल काटा है। सर्किल में ऊपर पहले थोड़ी सी कॉटन रख देंगे और कॉटन के ऊपर कोई छोटा सा राउंड ऑब्जेक्ट या कोई कॉइन रख देंगे। उसके बाद हम इसको साइड से हेमिंग कर लेंगे, तो ये एक फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। इस स्टेप से पहले इसमें हेमिंग कर लेंगे। अब देखिए मैंने इसमें कॉटन फिल करके और ये राउंड ऑब्जेक्ट डाल के इसको स्ट्रेच कर दिया है। अब इसको साइड से नॉट लगा के सिक्योर कर लेंगे। पहले इस टाइप से करके अच्छे से इसको सिक्योर करेंगे पहले, ताकि इसमें से फाइबर निकले नहीं। और अब देखिए मैंने इसमें कॉटन को अच्छे से फिल कर दिया है और दूसरी साइड भी सिलाई लगा के इसके अंदर कॉटन फिल कर दी है। अब हम फिर दोनों धागों को स्ट्रेच करेंगे सही से
कॉटन को अंदर दबा दे। इस टाइप से सही से मैंने इसको सही से बंद कर दिया है। अब इसके ऊपर हम ये बटन लगा देंगे। इस बटन के ऊपर मैंने इसको और डेकोरेट करने के लिए इस पर एक सिंपल सा बटन लगा दिया है। अब इस बटन को यहाँ पे अटैच कर देंगे। देखिए हमारा कुशन बनकर रेडी है। ये केवल हाफ लैगिंग में एक कुशन बन गया है। इसका अभी बचा हुआ पार्ट है, उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में DIY दिखाऊंगी। आपको ये मेरा कुशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।